बच्चे रिकॉर्डिंग के पीछे जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुनते नहीं पूरी। बस क्या बनेगा आवाम। वो 2x पे चल जाती है। नहीं लेकिन सुनते नहीं, सारे बच्चे नहीं सुनते, आखिरी महीने सुनते हैं, फिर पूरा सिलेबस भी नहीं होता। अच्छा जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, ठीक है। नोट्स फिलहाल अभी बंद रखें, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं नोट्स ओपन कर लूंगा या करवा लूंगा। चलो, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, हमने ये बात की थी अकाउंटिंग फॉर ओवर। वालेकुम सलाम जी, कोई मसला मसाइल है? हमजा, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। हमजा बेटा, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। हमने ये कहा था कि ये जो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं। जी, सबसे पहली बात, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट हम किसे कहते हैं। तो हमने इस सवाल का जवाब क्या दिया था, ये इन बच्चों को मिलाने के लिए साथ बता रहा हूं। हमने ये सवाल का जवाब ये दिया था कि असल में जो अगर एक इदारे में दो प्रोडक्ट बन रही हैं, हमने वैसे वो दो प्रोडक्ट की मिसाल ली थी, पहली क्लास में भी ली थी, शायद कल भी बताई थी। अगर एक इदारे में वुड चेयर बन रही हैं और दूसरी लोहे वाली आयरन चेयर्स बन रही हैं, तो मैंने आपसे कहा था जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, उसकी खूबी होती है कि वो हर प्रोडक्ट का अपना मटेरियल होता है। मतलब लकड़ी की कुर्सी पे लकड़ी इज द डायरेक्ट मटेरियल, लोहे की कुर्सी में लोहा इज द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स एनी मटेरियल विच इज स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह लेबर जो प्रोडक्ट पे काम करती है, उसकी जो पे है, लेबर भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, लेकिन ये जो एफओएच कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। ये फैक्ट्री के क्या होते हैं? कॉमन एक्सपेंसेस। इधर रख दिया रिमोट, जरूरत के मुताबिक चलाएंगे प्लीज। ये फैक्ट्री के क्या होते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब है ये प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंसेस नहीं होते, और इनको एज एन अकाउंटेंट हमने क्या करना होता है, इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो असल में फिर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपने कहना है ऑल कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बात हम कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं, सिवाय दो चीजें छोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और अगर आप ये कहना चाहें कि ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब भी कॉमन ही होता है, कॉमन एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट का मतलब भी क्या होता है? कॉमन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमने ये बात की थी व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी गुफ्तगू के अंदर हम ये भी बात कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंस प्रोडक्ट वाइज अवेलेबल नहीं होते, और एज एन अकाउंटेंट आपको ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में क्या करना होता है, डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमने कहा था प्रोडक्ट कॉस्ट तभी बनेगी ना जब ये तीनों चीजें आएंगी। अब जब तक आप ये डिवाइड नहीं करेंगे ओवरहेड्स, तब तक आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं आएगी। तो हमारा इस चैप्टर का पर्पस क्या था? हमने कहा जी इस चैप्टर का पर्पस, जहां पे भी फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे वहां ये पर्पस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ एफओएच कॉस्ट। यानी इस पूरे चैप्टर का क्या मकसद है, जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, इस पूरे चैप्टर में आप क्या सीख रहे होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओएच कॉस्ट। इज इट क्लियर? मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन का जो लफ्ज है, इसके कई नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन को एलोकेशन भी कहते हैं शायद, हाँ, एलोकेशन या एलोकेटेड एक ही बात है। एलोकेशन नाउन, एलोकेटेड वर्ब है, बाकी ये इतनी इंग्लिश का फर्क है। बाकी एलोकेशन अपोर्शनमेंट भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को,
या अपोर्शन, यानी ये अल्फाज इस चैप्टर में मिलेंगे और बच्चे परेशान होंगे पता नहीं किस बीमारी का नाम है ये, हालांकि ये एक ही चीज के दो तीन नाम है, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब्ड, यानी FOH की एलोकेशन, FOH की अपोर्शनमेंट या FOH की, जब मैं FOH एब्जॉर्प्शन या FOH एब्जॉर्ब्ड कह रहा हूं ना तो एब्जॉर्ब मींस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड्स, जब मैं ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइडेड अमाउंट को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब ओवरहेड, इज इट क्लियर, डिवाइडेड अमाउंट को बोलते हैं FOH एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अच्छा, इसके बाद अपोर्शन, हाँ बिल्कुल यही बात है जी बेटा, अपोर्शनमेंट भी कहते हैं इसको, सही कह रहे हैं आप अगर आप बता रहे हैं तो। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अभी बता कर आया हूं कि ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी सिस्टम होगा, कोई भी ऐसा सिस्टम अकाउंटेंट जो यूज करता है टू डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड्स, तो उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ओवरहेड्स कॉस्ट, ऐसा कोई भी सिस्टम जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के दो मेन सिस्टम है, सिंगल रेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, सिंगल रेट सिस्टम, यानी आपको FOH का एक रेट सा दिया होगा परसेंटेज में या रुपीस पर आवर में या रुपीस पर यूनिट, जिससे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सिंगल रेट सिस्टम, या दूसरा था मल्टीपल रेट सिस्टम, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास एक FOH का रेट होता है, FOH का क्या होता है, वो रेट या परसेंटेज में होगा या वो पर यूनिट पे होगा रेट FOH का, या वो पर आवर होगा लेबर आवर या 5 रुपए पर मशीन आवर, इज इट क्लियर, अगर पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट FOH का तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल रेट सिस्टम, और अगर डिफरेंट रेट्स हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीपल रेट्स, जिसके अंदर फर्दर दो टॉपिक है, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, कौन सा है जी, डिपार्टमेंटल FOH रेट सिस्टम, यानी टॉपिक नंबर वन ये हो गया, फिर इसके अंदर सब टॉपिक, अगर आपसे कोई पूछे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं तो आपने कहना है तीन तरह की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एक को बोलते हैं सिंगल रेट वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक हो गया डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की शक्लें हैं, सबसे पुरानी और सादी ये है पहली वाली सिंगल रेट सिस्टम, इसके बाद तीसरी कौन सी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर से आगे है, चैप्टर एक और, लेकिन वो है इसी का हिस्सा, तो ये तीन सिस्टम हो गए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तीन शेप्स हो गई, तीन शक्लें हो गई। अच्छा, सिंगल रेट सिस्टम में आप क्या करते हैं, हमने बताया था ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास सिंगल रेट होता है, सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक FOH का रेट होता है, ठीक है। अब मैं कल तो मैंने एग्जांपल्स वगैरह दी थी और न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था, आज मैं सिर्फ स्टेप्स लिखूंगा, ये पता नहीं हमने लिखे थे कि नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, प्रॉपर नहीं लिखे थे ना, हाँ। सिंगल रेट सिस्टम में क्या क्या होता है, सिंगल रेट सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा आपने तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, एक पॉइंट है स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कौन सा पीरियड, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, चाहे एक साल है या एक माह है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये जो गैप है इसको बोलेंगे ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, वैसे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड एक माह का होता है, कॉस्ट में FR में होता है साल का, एंड ऑफ। अब ये तीन पॉइंट्स या टाइम पॉइंट्स याद रखने हैं, यही तीन टाइम पॉइंट्स आगे इधर भी चल रहे हैं, सब में ये तीन टाइम लाइंस या टाइम के तीन पॉइंट्स आपको बताओ जी,
मैंने आपसे कहा था सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एफओएच का एक रेट होता है। कितने रेट्स होते हैं? वो रेट साल के दौरान नहीं निकाला जाता, वो साल के शुरू में पहले दिन ही अकाउंटेंट निकाल लेता है। वो रेट साल के शुरू में ही निकाल लिया जाता है। तो शुरू में जो चीज निकाल ली जाए उसको प्री डिटरमाइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो वो जो मैं आपको कह रहा था ना, इसमें सिंगल एफओएच का रेट होता है। तो बेटा वो एफओएच का रेट साल के शुरू में कैलकुलेट किया जाता है और उसका पूरा नाम है एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। ये रेट कब कैलकुलेट किया जाएगा? स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे, ठीक है। एफओएच एब्जॉर्ब कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन आपने ये याद रखना है कभी भी एब्जॉर्प्शन रेट साल के एंड पे कैलकुलेट, अगर ये साल के या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कैलकुलेट हो रहा है ना, तो वो गुजरे हुए साल के लिए नहीं है, आने वाले पीरियड के लिए है। इज इट क्लियर? तो ये अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे, सर क्या स्टार्ट में निकाला रेट चेंज हो सकता है? ये रेट नहीं, ये रेट चेंज नहीं करेंगे हम ड्यूरिंग द पीरियड। जो हमारे वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में मंथली बेसिस पे ये रेट निकाला जाता है, अगर आप एनुअल डेटे से भी निकाल रहे हैं तो पूरे साल का ये रेट सेम रहता है, इस रेट को चेंज नहीं किया जाता। ये रेट रिवाइज जल्दी, हाँ अगले साल जरूर रिवाइज होगा, वो तो आएगी, वो तो आएगी, मैं अभी आगे बताता हूँ, बड़ा डिटेल से बताता हूँ। ये रेट कब कैलकुलेट किया जाता है? स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रोडक्शन साल के शुरू में नहीं हो जानी, प्रोडक्शन तो साल के दरमियान थोड़ी थोड़ी करके होनी है प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन होगी। इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन साल के दौरान थोड़ी थोड़ी हो रही है, खर्चे तो तभी होने असल में, तो ये जो रेट आप निकालते हैं ना साल के शुरू में प्रोडक्शन से भी पहले, ये रेट एक्चुअल डेटे से नहीं निकलता, ये एस्टिमेटेड डेटे से निकलता है। किस डेटे से? और एस्टिमेट कैन बी इनएक्यूरेट, ये बात याद रखिएगा, एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, लेकिन इस रेट की गलत होने की मतलब गलत होगा, गलत होने का चांस भी है, लेकिन गलती सिग्निफिकेंट नहीं होती नॉर्मली। अकाउंटेंट को तजर्बा इतना हो चुका होता है कि वो एस्टिमेशन जब कर रहा होता है तो वो ये रेट में एरर आता है, लेकिन एरर सिग्निफिकेंट नहीं आता, माइनर सा आता है, ठीक है। लेकिन इस रेट का फायदा बहुत है। कोई भी कस्टमर आपके पास आया, कहता है मैंने काम तो नहीं कराना, पहले मुझे बिल बताओ, तो आप बिल बताने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, टोटल कॉस्ट जमा की, जमा प्रॉफिट करके उसे कहा भाई तेनू इन्हें बना के देंगे, हम आपको इतने का बना के देंगे, ये ऑर्डर सेल प्राइस ये होगी। वो आपसे पूछते हैं अभी तो काम ही नहीं किया आपने, खर्चे कहाँ से कैलकुलेट कर लिए? तो हम उसे कहते हैं भाई हम अकाउंटेंट हैं, नाई नहीं है, ठीक है। वो यार अकाउंटेंट्स, और अकाउंटेंट के पास अगर एक्चुअल डेटा ना भी हो, काम करने के बाद एक्चुअल डेटे की अकाउंटिंग एफआर सिखाती है, काम करने से पहले की अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है सीएम है, ये हमें सिखाता है कि कोई टास्क अगर परफॉर्म अभी नहीं भी किया तो उसको करने से पहले की अकाउंटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जब टूर पे जाना होता है तो करते हैं ना प्लानिंग, वो आपको नहीं पता, वो इनडायरेक्टली आप कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं कि मैं फलां रूट से जाऊंगा, वहां रहूंगा इतने दिन, ये खर्चा होगा खाने का, ये खर्चा वो, ये जो सारी टूर की आप प्लानिंग करते हैं बेटा, ये सारी आपको नहीं पता, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। एफआर इवेंट अकर होने के बाद रिकॉर्डिंग करती है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवेंट के बाद की भी अकाउंटिंग करती है और इवेंट अकर होने से पहले की भी। पहले में डाटा एस्टिमेटेड होता है, टास्क परफॉर्म करने से पहले जो भी डाटा लिया जाएगा वो अकाउंटिंग में क्या होगा? एस्टिमेटेड। अब ये रेट कैलकुलेट कब होता है जनाब? किस डेटे से? रेट निकालने का फॉर्मूला कल मैंने इनडायरेक्टली एक बताया था थोड़ा सा, मैंने कल एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ये देखें, मैंने कहा था हम क्या करते हैं, मेरा ख्याल है ये किया था शायद, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दी थी आपको कि मिसाल के तौर पर एक बिजनेस के 50,000 रुपए के एफओएच एक्सपेंसेस हैं और हम उसको यूनिट्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 8,000 यूनिट प्रोडक्ट ए के हैं, 2,000 यूनिट प्रोडक्ट, ये दोनों एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। दोनों कौन सी हैं? पूरी फैक्ट्री में कितने यूनिट बनने हैं?
और पूरी फैक्ट्री में खर्चा कितना है? तो मैंने कहा था आपने टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल नीचे जो बेस है वो रखना है। तो ये देखिए हमने किया था टोटल खर्चा 50,000 रुपये डिवाइडेड बाय टोटल बेस यूनिट्स, ठीक है। तो रेट का फिर फॉर्मूला क्या बना? रेट का फॉर्मूला बनता है बजटेड, एक्चुअल नहीं, बजटेड, बजटेड, बजटेड का ही दूसरा नाम एस्टिमेटेड भी होता है, बजटेड टोटल, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट रुपीस में डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल, बजटेड टोटल, जरूरी नहीं प्रोडक्ट ए यून, आप कहेंगे टोटल एक्टिविटी लेवल कहते हैं उसको या कैपेसिटी, वो यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीचे जो बेस है ना, इस बेस को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम, जो कहना चाहें, एक कैपेसिटी भी कह सकते हैं, कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना? बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, ये एफओएच किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, पूरी फैक्ट्री के खर्चे हैं। तो नीचे जो बेस लेनी है वो भी पूरी फैक्ट्री की बेस लेनी है, तो किसी एक प्रोडक्ट की नहीं लेनी, पूरी फैक्ट्री में कितने यूनिट बनेंगे, पूरी फैक्ट्री में कितने घंटे काम होगा, कुछ भी। तो ये ऊपर खर्चे रखने हैं बजटेड, नीचे क्या रखनी है? एक्टिविटी लेवल। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी लेवल बेस है ना, ये 6 में से कोई एक होगी, कितनी? 6 में से कोई एक बेस होती है रियल लाइफ में यूज। हमारा आई कैप प्रैक्टिस करवाने के लिए 6 में से कोई सी 2 से 3 दे देगा पेपर में, वो कहेगा पहले एफओएच का रेट बेस नंबर 1 की बुनियाद पे निकालो, फिर वही कंपनी का दोबारा एफओएच का रेट निकालो बेस नंबर 2 को। हालांकि सिंगल रेट सिस्टम में एक ही बेस होगी और एक ही रेट होगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या है, वो सेम कंपनी का सवाल बार बार क्यों सॉल्व करवाते हैं कि आपको हर तरह से रेट निकालना आ जाए। अब आप कहते हैं सर आपने तो कहा था सिंगल रेट है, बेटा सिंगल रेट ही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस वो आपसे बार बार एक ही दायरे का डिफरेंट बेसिस की बुनियाद पर क्या निकलवाएगा? रेट, ठीक है। तो पहली जो बेस इसके नीचे रखी जा सकती है वो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बजटेड या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, के पूरे साल में हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, हम अंदाजा लगा के नीचे लिख देते हैं कि हम पूरे साल में इतने यूनिट बनाने का प्लान रखते हैं, बजट को प्लान भी कहते हैं। 3 अल्फाज में बदल बदल के बोलूंगा, बजट, एस्टिमेट या प्लान, एक ही बात है, बजट, एस्टिमेट या प्लान, बजटेड, एस्टिमेटेड या प्लान, एक ही बात, एक ही चीज के 3 नाम है, ठीक है। तो प्लान आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर लोगे, प्लान थोड़ा कम परफॉर्म हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, नहीं समझ आ रही? तो बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट तो सेम है, एक्टिविटी लेवल इन 6 में से कोई एक लेगा इदारा अपने हिसाब से, जो इदारे को सूटेबल है, जो डाटा आसानी से रेडीली इजीली अवेलेबल हो। तो जब प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस होगी ना, तो फॉर्मूला बनेगा बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। दूसरी बेस हो सकती है लेबर के आवर्स, कि आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लेबर है वो कितने घंटे काम करेगी, हाथ से, मशीनों से नहीं, फैक्ट्री में लेबर प्रोडक्ट बनाने पर कितने घंटे काम करेगी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो वर्कर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका टाइम। तो फॉर्मूला बनेगा बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। ये उन इदारों में ज्यादातर चलती है बेस, जहां ज्यादातर काम हाथ से होता है। मसलन कुछ इदारे होते हैं ना जो जूते बनाते हैं, लेकिन उन्होंने मशीनों पे जूते नहीं बनाते, उन्होंने हाथ से रखा है, हैंडमेड, वो कहते हैं जी हमारे हाथ से बनते हैं जूते, या वो आजकल तो पिशौरी चप्पल, या वो उसका जो फैशन है, हाथ वाली होनी चाहिए, मशीन वाली नहीं चाहिए। तो भाई जब हाथ वाली होगी तो डेफिनेटली वहाँ काम हाथ से लेबर करेगी, टाइम भी लेबर का मेन वही काउंट होगा। जिन इदारों में ऑटोमेशन होती है, मशीनरी इस्तेमाल होती है, वहां डायरेक्ट लेबर की बजाय बेस क्या होती है?
मशीन आवर्स। तो ये तीन फेमस बेसिस हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, बल्कि इनमें से भी ये दो ज्यादा फेमस है, आप इन पे स्टार लगा लें। अगर आपको तुक्का शुक्का लगाना पड़े, वैसे लगाना नहीं पड़ता कभी भी, बताता है वो, तो लेबर आवर मशीन आवर में तुझसे तुक्का लगेगा किसी एक का, ठीक है? तो प्रोडक्शन यूनिट्स या डायरेक्ट लेबर आवर, या अगर बेस मशीन आवर है तो फॉर्मूला बनेगा बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स। इसी तरह और भी बेसिस हो सकती हैं, वो है कॉस्ट। अगर ऊपर एफओएच हो तो नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं लेनी, कोई डायरेक्ट कॉस्ट लेनी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले सकते हैं बेस पे, इनडायरेक्ट नहीं लेनी बेस पे, ऊपर भी इनडायरेक्ट है, एफओएच इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नीचे अगर कॉस्ट लेनी है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेनी है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेनी है या बजटेड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब पता ना हमें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा करके, ठीक है? कितनी बेसिस हो सकती है बेटा? 6। तो ये जो तीन है ना, तीन, ये तीन, इनके साथ एक मसला है, इनके साथ मसला नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन पाया जाता है, अगर ऊपर भी रुपीज हो और नीचे बेस में भी रुपीज हो तो फॉर्मूले में इनटू 100 आता है। फिर फॉर्मूले में क्या आ जाता है? इनटू, ताकि आंसर को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए। इधर परसेंटेज में आंसर नहीं होगा, यहां आंसर परसेंटेज में नहीं होगा, लेकिन इधर आंसर किसमें लिखना होता है? इसीलिए जब परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाय किस क्या करना है, यानी इधर फॉर्मूला क्या बनेगा? बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100 इनटू, इधर होगा बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं? ताकि आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये मैं खुद ने नहीं बनाया, जिन्होंने पहली दफा बात की थी उन्होंने कहा था कि अगर नीचे बेस पे कोई कॉस्ट रुपीज वाली बेस हो ना, रुपीज वाली, तो उसको इनटू 100 करके रेट को एक्सप्रेस करना है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर यहां फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर आता है ये 5 रुपए पर यूनिट, यहां फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर आता है फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए पर लेबर आवर। इसके मुताबिक आप फॉर्मूला लगाते हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो आंसर आता है 3 रुपए पर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो 3 रुपए 5 रुपए 4 रुपए ना, ये बेटा ये एफओएच की अमाउंट है। ये किस चीज की अमाउंट है? पढ़, इसका मतलब होता है अगर एक यूनिट बने फैक्ट्री में तो 5 रुपए के एफओएच रिकॉर्ड होंगे। कितने के एफओएच रिकॉर्ड होंगे या प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर एक यूनिट बनता है? दूसरे का मतलब क्या है? 1 घंटा प्रोडक्ट बनाने पे अगर लगता है तो कंपनी जो एफओएच कॉस्ट रिकॉर्ड करेगी वो 4 रुपए रिकॉर्ड करेगी हर 1 घंटा प्रोडक्ट के काम करने के बदले। वर्कर जब प्रोडक्ट्स पे काम करेगा तो हर 1 घंटे के बदले कंपनी विल रिकॉर्ड एफओएच कॉस्ट ऑफ रुपीज। इधर कंपनी कितने एफओएच रिकॉर्ड करेगी? 3 रुपए के एफओएच रिकॉर्ड करेंगे अगर मशीन चलती है प्रोडक्ट बनाने या बनाने के लिए चलती है, ठीक है? इधर जो रेट होगा वो इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ, तो इसका मतलब होता है अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो जो उस पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगती है ना प्रोडक्ट पे, उसका 40% करेंगे तो एफओएच आएंगे पर यूनिट का या टोटल का, जिसका आपकी मर्जी है, जैसे सवाल चाहिए। अगर मुझे टोटल में चाहिए डायरेक्ट मटेरियल टोटल में, तो टोटल का 40% कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे है तो पर यूनिट का भी 40% कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसका क्या मतलब है? अगर मुझे एफओएच चाहिए तो मुझे जो भी इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका कितने परसेंट करना पड़ेगा? एफओएच आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये ऐसे है, ये वाला ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो इसका क्या मतलब है बेटा? अगर आपको एफओएच चाहिए तो जिस प्रोडक्ट की एफओएच चाहिए उस प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट निकाले, ठीक है? लेकिन अभी ये तो रेट निकल रहा है, अभी इस रेट को यूज कैसे करना है वो बात की बात है।
और ये ऐसे होगा फॉर एग्जाम्पल 110% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 100 से ऊपर भी हो सकता है रेट और 100 से नीचे भी हो सकता है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 100 से नीचे ही आनी है परसेंटेज, ऊपर भी आ सकती है। तो यानी जितनी उस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट है उसका 110% करेंगे, कितने परसेंट करेंगे, तो FOH कॉस्ट आ जाएगी उस प्रोडक्ट की, ये रेट। जी बेटा सर, कन्वर्जन कॉस्ट भी बेस बन सकती है? जी मेरा आपसे सवाल है, चले आप बताएं, कन्वर्जन कॉस्ट बेस बन सकती है? क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर एक डायरेक्ट लेबर होता है और एक FOH। मैंने अभी कहा था डायरेक्ट कॉस्ट को बेस बनाना है किसी को, इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें तो खुद FOH छुपे हुए हैं। कन्वर्जन कॉस्ट बेस नहीं बन सकती, ये बिल्कुल वही बात है कि भाई FOH निकाल रहे हैं और FOH निकालने का तरीका है 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, मिसाल के तौर पर। ओ भाई कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर भी तो वो होता है ना, क्या नाम है, लेबर प्लस, ये तो आप मुझे मैथ के अंदर ले गए हैं, ये तो अब वो एक्स उक्स रख के कुछ ना कुछ करेंगे, फिर भी FOH नहीं आएंगे वो, पहले वो को एक्स रख के, समझ आ रही है। जिस चीज का 40% लेना है वो चीज ही मौजूद नहीं है पूरी, जब तक ये FOH नहीं आएंगे ये भी नहीं आएंगे, लगे रहो। ऐसे केस में हम चलते हैं एक्स रख के, क्या करते हैं हम, और वैसे लेकिन ये आम सवाल नहीं है, मैथ है ये, मैथ ये असल में उसने FOH नहीं निकलवाने होंगे, ये कुछ और निकलवाना होगा उसने। और ठीक है, बात समझ आ रही है, रेट निकाल लेंगे। अच्छा, रेट निकालने के बाद रेट को क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो जब रेट को यूज करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, FOH, एब्जॉर्ब इन प्रोडक्शन कॉस्ट। चैप्टर वन मैंने जो कराया था, जो बेसिक का चैप्टर था, मैंने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन चीजें आनी है, अभी बताया ऊपर भी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरी जब मैं FOH यहां लिखने लगूंगा तो रेट की मदद से लिखूंगा, किसकी मदद से लिखूंगा, और रेट ये सारे नहीं होंगे, रियल लाइफ में इनमें से कोई एक रेट होगा, बात समझ आ रही है। तो मिसाल के तौर पर ये वाला रेट है, ये वाला बाकी नहीं है, मिसाल के तौर पर ये रेट है और मैं एक प्रोडक्ट है अल्फा या बीटा या गैमा जो भी है, मैं एक प्रोडक्ट है उसकी मटेरियल कॉस्ट लिखता हूँ टोटल 40,000 रुपए, उसकी मैं लेबर कॉस्ट लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए, तीसरी चीज में उस प्रोडक्ट की क्या लिखने लगा हूं, और हमारी कंपनी ये वाला रेट यूज करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कितने FOH लिखेंगे, तो FOH लिखने के लिए रेट मैंने क्या बताया, क्या यूज करना है, ये वाला। तो अब आप किस चीज का 75% करोगे, किस चीज का 75% करोगे बेटा, 40,000 का, 25,000 का, क्यों 25 का क्यों करोगे, क्योंकि जो बेस तय है ना इस कंपनी में, अगर FOH निकालने हैं तो लेबर कॉस्ट का 75% करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वाला रेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाला रेट है। तो कैसे निकालोगे, 75% मल्टीप्लाइड बाय इस प्रोडक्ट की जो लेबर कॉस्ट है, क्या आते हैं FOH, सॉरी 18। अब कुछ बच्चों को ना भी बताओ ना, तो उनको अगर ये रेट पढ़ना समझ आ गया ना, वो कहते हैं सर आगे तो कुछ भी नहीं है, इस रेट को अप्लाई करना है, इस रेट को क्या करना है और किस पे अप्लाई करना है, अगर बेस लेबर कॉस्ट है तो उस प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट का 75% कर ले, अगर ये वाला रेट होता, ये वाला, ये मिसाल के तौर पर, फिर मैं किसका 40% लेता, वो 40,000 का 40% लेता, ठीक है। रेट को अप्लाई करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, टोटल कर लेंगे अब आप जो भी आता है। बच्चे फिर कहते हैं सर इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला बना, जब भी FOH एब्जॉर्ब निकालने हैं तो रेट, रेट मल्टीप्लाइड बाय उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कैपेसिटी परफॉर्म किया आपने, ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म हुआ है, रेट मल्टीप्लाइड बाय जो रेट की बेस थी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल से करना है, ये 25,000 बजटेड नहीं है, ये 25,000 इस प्रोडक्ट की एक्चुअल लेबर कॉस्ट है, उस एक्चुअल लेबर कॉस्ट का मैंने कितने परसेंट लिया है,
75%। तो एफ ओ एच एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं पूछूं, तो आप मुझे कहेंगे सर एफ ओ एच एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है एफ ओ एच एब्जॉर्ब का, मैं यहीं पे लिख देता हूं ब्लू में, एफ ओ एच एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला बना बेटा जो आपने वो लिखा था, एफ ओ एच एब्जॉर्ब का, एफ ओ एच का रेट पर लेबर आवर पर मशीन आवर या जो भी रेट है इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एक्चुअल है लेकिन ये रेट एक्चुअल नहीं है, ये रेट अंदाजे से एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो जो आपके पास एफ ओ एच एब्जॉर्ब आएंगे ये भी एक्चुअल नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी एक्चुअल नहीं आएंगे, ये अंदाजे से जितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में, ये याद रह जाएगा फॉर्मूला। दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आज अभी तक, आसान हो रही है, चलो ठहर जाएगा। अच्छा विद्वानो, हम ये बात कर रहे थे कि हमने आज दो फॉर्मूले पढ़े हैं, पहला हाउ टू कैलकुलेट द एफ ओ एच एब्जॉर्प्शन रेट। आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो इस रेट के नाम काफी ज्यादा लिखे हुए नोट्स में, वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसको प्लांट वाइड रेट भी कहते हैं, पूरी फैक्ट्री का इसको प्लांट वाइड रेट भी कहते हैं, इसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, और बड़े नाम है, तो वो नाम आपको याद कर, मैं लफ्ज क्या बोलूंगा बार बार, इसका नाम एफ ओ एच एब्जॉर्प्शन या एफ ओ एच अप्लाइड रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला है बजटेड टोटल एफ ओ एच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल बेस, बेस को एक्टिविटी लेवल भी कहते हैं। जब रेट आ जाएगा और आपने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है तब आपने रेट इंटू क्या करना है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म जो भी उस प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, समझ आ रही है। इससे ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट निकल आएगी। एफ ओ एच एब्जॉर्ब का मतलब होता है उस प्रोडक्ट के हिस्से में जितने एफ ओ एच आ रहे हैं वो आएंगे, ये पूरी फैक्ट्री के एफ ओ एच नहीं एक प्रोडक्ट में आने, उस प्रोडक्ट में जितना हिस्सा बनता है उसका बेचारे का उतना हिस्सा उसमें आना है। तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि घर का खर्चा है, अब्बू जब तक उठाते हैं तो सारा घर का खर्चा अब्बू कर रहे हैं, लेकिन जब बेटे काम करने लग पड़ते हैं तो अब्बू घर का खर्चा बेटों में क्या करते हैं, डिवाइड के, बेटा तुमने इतना कंट्रीब्यूट करना है, तुमने इतना कंट्रीब्यूट करना है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है एक बेटे के हिस्से में जितना किचन का खर्चा आ रहा है वो उसका एफ ओ एच एब्जॉर्ब है, इज इट क्लियर, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है घर के खर्चों में। अच्छा जी पकड़े कैलकुलेटर जरा, ओ कैलकुलेटर पकड़े, लिख के नहीं करना, ये टाइम की वेस्टेज, अगर हम लिख के करेंगे आप लोग ये रेट निकालेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरी सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है, आई गैप की किताब से नहीं है। कहता है कैलकुलेट प्री डिटरमेंट, प्री डिटरमेंट का मतलब वो रेट जो साल के शुरू में तय होता है, प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेट, पहली दफा बेस क्या रखनी है डायरेक्ट लेबर आवर, दूसरी दफा मशीन आवर, तीसरी दफा यूनिट, चौथी दफा लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और फिर इनके आंसर किसमें आएंगे,
बाकियों के नहीं। तो डेटा ऊपर दिया है, अप्रैल के मंथ का डेटा है, बजटेड लेबर आवर है, बजटेड मशीन आवर है, बजटेड यूनिट्स हैं, ये रुपीज में डेटा है, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों तरह के आते हैं। मैंने चैप्टर वन में बताया था कि FOH में फिक्स भी होते हैं, और तो ये दोनों ऐड करेंगे 0.3 मिलियन का मतलब 3 लाख रुपए, और 0.5 मिलियन रुपीस का मतलब कितने हैं जी, तो टोटल कितने बनेंगे? तो अब आपके कैलकुलेटर पे फॉर्मूला बनेगा, बजटेड टोटल FOH 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय पहली बेस क्या रखनी है, तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर, ये रे 25,600, 31 पॉइंट पर लेबर आवर, इस तरह पर, यानी एक घंटा लेबर काम करे तो कंपनी विल रिकॉर्ड FOH कॉस्ट ऑफ 31,25 रुपए। चलो अगले इसी तरह करो, कैलकुलेटर पे से 8 लाख नहीं मिटाना, 8 लाख रुपए नहीं मिटाना, 8 लाख लिखा रहते एरो होते हैं उससे ये चेंज करो, अगली बेस है मशीन आवर, तो अब आप क्या करेंगे, 8 लाख रुपए कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 80,000 मशीन आवर्स, 10 रुपीज पर मशीन आवर, इस तरह पूरा बोलना है, 10 रुपीज। नेक्स्ट, हाँ जी, यूनिट्स के केस में फिर 8 लाख नहीं मिटाना, डिवाइडेड बाय यूनिट्स 5 लाख यूनिट्स, तो क्या आता है बेटा, 1.6 पर यूनिट, इज इट क्लियर? ये रेट आपको बेसिक्स वाले चैप्टर में दिया होता था, अब आपने निकाला है जी भाईजान, आपने कैलकुलेट कराना है, अगला करवाएं, फॉर्मूला पता है हमें क्या है, टोटल FOH कॉस्ट वो ये है 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय बेस क्या रखनी है, अब तो देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 64 मिलियन का मतलब 6,40,000 रुपए जी, तो करें कैलकुलेटर पे क्या आता है, कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल पे कर लो भाई, कैलकुलेटर लेकर आया करो, क्या करते हैं आप अपने कैलकुलेटर से करते हो, उस पर स्पीड बनती है, और स्पीड बनती है तो पेपर में सवाल जल्दी होता है जी जनाब, मैंने कहा मैं ही ना लिखी जाऊं, कैसे आया, हाँ जी, 0.8 का मतलब 8 लाख रुपए के बजटेड टोटल FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय 6,40,000 रुपए की वो लेबर कॉस्ट इनटू 100 किया ही नहीं आपने, मैंने क्या आंसर किसमें लिखना है नहीं पता चला आपको, मेरा ख्याल है 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अगला भी वजन आपने कराना है, आपको समझ नहीं आती, आप पूछते भी नहीं, आप कहते हैं झूले लाल उस्ताद जी कल्ले लगे रहो, हैं क्या कहते हैं, चलो अगला कराओ साहब, 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख, बस इंटू 100 नहीं करना, रुपीज है नीचे, 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100 बोलना है लाजमी, अगर नीचे रुपीज हो, अब बताओ क्या आता है, 80% रेट है FOH का, 80% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अगला कराओ पॉइंट, तुसी कराना है आखिरी, बोलना नहीं बाकी उन्हें, शाबाश, F वाला करवाना है आपने, ये F वाला प्राइम कॉस्ट बेस है, कर लो तसल्ली से प्राइम कॉस्ट वाला जी, इतने आसान सवाल आने नहीं, लेकिन
ये ना हो पेपर में हमसे रेट ही ना निकले, आसान दे के भी मार दे मार गए। वो क्या जी, कैसे निकाला है? 8 लाख यानी 0.8 मिलियन डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 16,40,000 इंटू 100 किए, क्या आता है? ऐसे ही है, 48.8% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये जो परसेंटेज है ये प्राइम कॉस्ट की नहीं है, ये एफओएच की परसेंटेज है, जो कि बेस किस पे कर रही है, ये एफओएच है, ये भी एफओएच है, ये भी एफओएच है। जी बेटा, तो मैं ये बता रहा था 4.1 हो गई है, 4.2 घर से करनी है और 4.4 भी घर से करनी है। एग्जाम्पल अभी आपने करनी है 4.3 लिख के, ये करें शाबाश, जल्दी से मैं किसी एक से पूछता हूँ। हाँ जी, अब नोट्स ओपन करें, कोई नहीं। एग्जाम्पल 4.1 हमने कैलकुलेटर पे किया है, 2, 3 घर से करनी है आप, 2 और 4, अभी 4.3 करनी है। चलें शाबाश, जो वो कहता है उसके मुताबिक, जो समझना आए वो छोड़ के बाकी जो आ रहा है वो कर ले, बाकी मैं अभी टैली करता हूं, बताता हूं। मुझसे एक एक लाइन नहीं पूछनी, खुद करें जो समझ आती है। जी शाबाश, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4.3। जो बच्चा दोनों पार्ट सॉल्व कर ले वो चेक करवा दे।
जी किसने किया, आपने कर लिया दोनों ने? ठीक है कोई नहीं, बाकी भी कर ले। FOH किसे? हाँ उसने कहा है, सवाल ध्यान से पढ़े, लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं रीड किया बेटा, मैं अभी पढ़ता हूँ ना, फिर शायद आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई क्या करना था। अच्छा जी, इसमें आपने रेड निकाला होगा, पहली दफा जब आपने FOH का रेड निकाला होगा तो बजटेड फॉर्मूला दोबारा दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, अभी आपने लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? पेपर में नहीं लिखना। बजटेड टोटल FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर, तो मेरा ख्याल है FOH थे 5,25,000 और लेबर आवर थे बेटा 60,000। तो आंसर किसी ने किया हो, 8.75 रुपीस के FOH है पर डायरेक्ट, यानी लेबर अगर एक घंटा काम करे तो इतने FOH है। दूसरे केस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है बेस पे, तो 5,25,000 रुपए के बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 750। जब भी नीचे कॉस्ट होगी ना बेस पे तो इनटू 100 करना है, 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है? नेक्स्ट, तीसरी दफा जी कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ ठीक है, आंसर बता रहे हैं। अच्छा, तीसरी दफा जो FOH का रेट है उसकी बेस उसने कहा है वो रखनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय क्या है 3,00,000 इनटू 100, 175% ऑफ डायरेक्ट, ये FOH का रेट है। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मसला होगा बेटा। आपने कर लिया कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो? मुझे आपसे डर लगता है, आप ना पता नहीं काम भी करते हैं कि नहीं करते, शको शुबात पाए जाते हैं मेरे जेन में आपके मुतल्लिक, तो कैलकुलेटर भी कोई नहीं लेके आते। कल आपके पास नोट्स हैं? देखा, नोट्स भी नहीं है, किस चीज का इंतजार है? कोई रिजल्ट है फिर किस चीज का इंतजार है? अच्छा बी रिक्वायरमेंट पर आ जाए बेटा, सेकंड रिक्वायरमेंट। कल आपके पास क्या क्या होना चाहिए बताओ मुझे। हाँ कॉपी भी है, चलो। अच्छा वो कहता है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या निकालनी है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब, जॉब होता है ऑर्डर, जॉब नंबर किसे कहते हैं? कि कस्टमर से कोई ऑर्डर मिल रहा है और ऑर्डर को हम यूनिक नंबर असाइन करते हैं ताकि कल को पकड़ सके कौन सा ऑर्डर पहले आया था और कौन सा ऑर्डर बाद में आया था। तो 924 और 925 में से पहले किसको कंप्लीट होना चाहिए? डेफिनेटली 924 को। तो ये यूनिक नंबर असाइन करते हैं ताकि पकड़ा जा सके ऑर्डर। तो कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, आपने उस ऑर्डर की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है।
बाय यूजिंग ईच एब्जॉर्प्शन रेट. ईच एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है वो चार है, वन बाय वन सवाल हल करो और आपको अपने ऑर्डर की क्या निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दफा निकालनी है, तीन दफा, क्योंकि तीनों रेट एक ही दफा थोड़ी इस्तेमाल होंगे. कंपनी अगर पहला रेट इस्तेमाल करती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ और होगी, दूसरा रेट यूज करती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में एफओएच कुछ और होंगे, तीसरा रेट यूज करती है तो एफओएच कॉस्ट कुछ. तो आपने ईच एब्जॉर्प्शन रेट यूज करने का मतलब बेटा तीन दफा अलहदा अलहदा क्या निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है. और तीनों दफा वन बाय वन रेट दोबारा नहीं निकालना, रेट आपने कहां निकाला हुआ है, उसने कहा पार्ट वन वाला. और ऑर्डर का डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ऑर्डर पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जो लग चुकी है उसके ऊपर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी है, ऑर्डर बन चुका है 20,000, लेबर कॉस्ट लगी है उस पर एक्चुअली 8,400 और लेबर ने कितने घंटे उस पर असल में काम किया है, 1400 घंटे. तो अब मैंने यहाँ पे क्या निकालनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है. क्या निकालनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है. जॉब नंबर 920, तो मैं एक दफा निकालू, बाकी दो दफा फिर वैसे ही होगी. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जॉब की कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, टोटल में दी हुई है, 20,000 रुपए का मटेरियल लगा इसके ऊपर एक्चुअली. लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, लेबर कितनी लगी है जी, 80. और तीसरी चीज जो आपने ऐड करनी है वो क्या है, या एफओएच एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कौन सा रेट यूज करना है. पहला रेट था 8.75 रुपीस, यानी अगर एक घंटा काम हो तो 8.75 रुपए के एफओएच है, एक घंटे के बदले 8.75 रुपए के एफओएच है, तो कितने घंटे काम हुआ है, 8.75 इंटू ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये जो ऊपर था, कहाँ था ऊपर, ये रेट इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, जो घंटे हैं वो परफॉर्म किए हैं, ठीक है, कितने घंटे परफॉर्म हुए, 1400 लेबर आवर्स. तो ये तो अमाउंट क्या आती है, 1,22, टोटल कर लो, ये आंसर है. लेकिन ये जो आंसर आया है ये पहले केस में आया है, अगर कंपनी पहला वाला रेट यूज करती हो, ठीक है. अब ऐसा ही टेबल दोबारा भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें रेट चेंज होगा, मेरा ख्याल है जमा करें तो क्या आता है, 40 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जी 12,250. अब बी केस में इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे जगह नीचे नहीं जा रहा. तो बी, बी का मतलब क्या है, ये वाला रेट अब यूज करूंगा, ये वाला, ये जो रेट नहीं था, दोबारा उसने कहा सॉल्व करो, अब वो फिर इसको भूल जाए, ये नहीं है, समझ लो ये नहीं है अब. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दोबारा लिखूंगा, 20,000 रुपए. बच्चे पूछते हैं कि सर आप दो दो तीन तीन दफा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. वैसे तो रियल लाइफ में ये कॉस्ट एक दफा निकली होगी, हाँ जी, किसी ने एफओएच निकाले हों ये तीसरे वाले, कितने आएंगे, 14,000 आएंगे. किसका लेना, 70% ऑफ. तो जिस ऑर्डर या जॉब का आप एफओएच निकालना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का 70% ले लो. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का 70% लेना है, तो इसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000 रुपए की थी, तो 14,000 रुपए के एफओएच आ जाएंगे, टोटल करेंगे 29,000.
अच्छा 42,400, चेक कर ले क्या कहते हैं, ये बी केस है 42। तीसरे वाला खुद बताओ क्या आता है जी। 43,000 सब चेक कर ले, यही आता है इनके कहने पे लिखा मैंने। ओ बैठ गए हो, देख रहे हो? नहीं नहीं खुद नहीं कर रही है, एक कर लिए बट ठीक है, एक ऐसे ही होने बार 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 प्रैक्टिस है। डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर कितनी है, और अब आपके एफओएच उसने क्या कहा है 175% ऑफ, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहां पर है 8,400, तो एफओएच कितने आएंगे 175% मल्टीप्लाइड बाय 8,400, 3,700, हाँ ठीक है 14,700, ठीक है। अच्छा मेरा बाप से एक सवाल है, ये जो 5,25,000 है, ये 5,25 मैंने क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, ये जब मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पे ये जो मैंने निकाले हैं इसकी जगह, सब नहीं बोलेंगे जिसको जवाब पता है, ये मैंने 525 क्यों नहीं लिखा उधर जी बेटी। अच्छा ये कहती हैं क्योंकि ये सर बजटेड है और हमें तो जॉब की रियल कॉस्ट चाहिए। अच्छा और कोई आर्गुमेंट, हाँ ये भी एक आर्गुमेंट है, वो भी गलत नहीं है आर्गुमेंट, सही है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये तो पूरे साल के तमाम जो मर्जी करोगे तो टोटल है, और हमें जो कॉस्ट निकालनी है वो सारी जॉब्स की नहीं निकालनी, सिर्फ एक जॉब के हिस्से में कितने एफओएच आ रहे हैं, एक ऑर्डर के हिस्से में कितने एफओएच, सारे दिन ना उधर छुपा दे रहे बेचारे सीधी फालतू में हैं, तो एक ही जॉब पे तो नहीं सारे खर्चे डाल दे रहे। इसीलिए ये जो आप रेट की मदद से लिख रहे हैं ये आपके उस जॉब के हिस्से में जितने एफओएच आ रहे हैं ये वो है डिवाइडेड पोर्शन है, वो जो ऊपर है 5,25,000 वो तो पूरे साल के पूरी फैक्ट्री के एफओएच है। अगर मैं नीचे 5,25 जमा कर देता हूं तो मैं पता क्या कर रहा हूं, पूरी फैक्ट्री के एफओएच एक ही ऑर्डर में डाल देना, और मैं कह रहा हूं जी हमने पूरे साल में एक ही ऑर्डर परफॉर्म किया, और नहीं ऐसा नहीं होता, और भी कुछ परफॉर्म होगा और भी कुछ बनेगा। इसीलिए वो दो आर्ग्यूमेंट दिए इन बच्चों ने, पहला इस खातून ने दिया कि सर वो तो बजटेड थे वो तो, और हमें यहाँ पे जॉब की कॉस्ट चाहिए जो कि बजटेड नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो ज्यादा मैं समझता हूँ जो ज्यादा कंक्रीट है वो इनका है, और मैं भी यही जवाब सुनना चाह रहा था कि एक्चुअली वो पूरे बिजनेस के पूरी फैक्ट्री के टोटल एफओएच है, और हमें उस ऑर्डर से रिलेटेड स्पेसिफिक बनाने हैं डिवाइड करके, डिवाइड करके, तो जिन्हें बंदे ने वो लिखो ना, और ये देखो ना तो रकमें भी इनके करीब करीब आ रही हैं, 20,000 के नीचे अगर 5,25,000 की फिगर लिख दूं तो आपको लगेगा ना पैड़ी पड़ी रकम है, बड़ी मुख्तलिफ सी है, 5,25 कहाँ से आ गया है, तो इसीलिए लाइक विद लाइक फिगर्स नहीं है वो भी। चलो हमने घर से क्या करना है, आपने होमवर्क क्या आपका जी हमजा साहब, आपका जवाब ठीक है सर, ज्यादा रिलायबल एब्जॉर्प्शन रेट किस एक्टिविटी लेवल पे बेस होता है, नहीं ये कोई नहीं है, हर इदारे की अपनी मर्जी होती है, ठीक है। ज्यादातर जो फेमस है, फेमस की बात करें रिलायबल तो सारे ही होते हैं, सिंगल सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो फेमस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स वाला या मशीन आवर वाला ज्यादा फेमस है, ठीक है, बाकी फेमस नहीं है, बाकी कभी जो आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है नेक्स्ट टाइम, आप लोगों ने एग्जांपल कौन सी करके लानी है नोट्स में से, 4.2, 4.4, ठीक है, 4.2, 4.4, इसी तरह आपने ये करके लाना है, और आपने क्या करके लाना है,
करके नोट्स दिखाना जरा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन मैंने कल करवाना है सॉल्व, तो आपने सिर्फ उसको रीड करके लाना है। सिंगल रेट का ही सवाल है और ऐसे ही सवाल इस दफा आया था, ये जो मैं कल कराऊंगा सवाल करवाना कल है, आपने सिर्फ रीड करके आना है। ऐसा सवाल पिछली अटेम्प्ट में आया है इसी तरह का है? मैं बताने लगा हूं, इसी तरह का सवाल पिछली अटेम्प्ट में आया। मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8, इसका बी पार्ट, पेज नंबर जो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, पेज 88 नंबर पे है, पेज 88 पे, 88 से शुरू हो रहा है और 89 पे। आंसर नहीं देखना बच्चों, आपने सिर्फ पढ़ के आना है, करवाना मैंने है, ये आपने सिर्फ रीड करके आना है। और कौन से पेज पर, और ये सॉल्व करनी है। कल सिंगल रेट नहीं है, सिंगल रेट में तो 15 से 20 मिनट में ये हो जाना है सवाल, और सिंगल रेट के सवाल ज्यादा नहीं है। कल मैं शुरू क्या करा दूंगा, तो डिपार्टमेंटल में से आता है, आपका सारा चैप्टर ही डिपार्टमेंटल में घुसा हुआ है, यानी सिंगल रेट के एक सवाल और डिपार्टमेंटल के 8 सवाल, 10 सवाल जिन्हें मर्जी कर लो काटने, ठीक है, या 4 सवाल सुथरे वाले कर ले जिसमें तकरीबन सारे पॉइंट्स हों तो। लेकिन वो अभी देखने में तो चैप्टर खत्म होता लग रहा है, लेकिन वो नहीं है इतना, डिपार्टमेंटल में जरा ट्विस्ट ज्यादा है। चलो ओके, फिर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो वो बैठ सकता है, बाकी ओके फिर, अल्लाह हाफिज। जी जी कल बताएंगे कि एक्चुअल को और इसका फर्क, वेरियंस कहते हैं ना, वेरियंस वाली बात अभी मैंने बताई नहीं, कल बतानी है। हाँ करनी है, एक्चुअल खर्चे जो बिल कैश में देने हैं वो फर्क होंगे थोड़े से,